ये बीजेपी जो झूठा वाली पार्टी है, जो नाथूराम गोडसे के खानदान जो लोग हैं, चारों तरफ से आवाज आ रही है कि मोदी गद्दी छोड़ो। जब तक मोदी गद्दी नहीं छोड़ेगा, देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूँ, जरूर। लगातार सीबीआई और ईडी लालू परिवार उनके करीबियों पर शिकंजा कस रही है और इसको लेकर अब राजद के अंदर विरोध शुरू हो गया है और राजद ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी पार्टी जो है वो इसका विरोध जता रही है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षियों को परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा। इसको लेकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने भी कल सदन में मांग उठाई थी कि बंगाल की तर्ज पर यहाँ भी कानून बने और आज इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी वो पत्र लिखने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं राजद विधायक भाई वीरेंद्र, पहले सुने। और देखिए, कोई तापमान गर्म नहीं है। ये बीजेपी जो झूठा वाली पार्टी है, जो नाथूराम गोडसे के खानदान जो लोग हैं, ये लोग सियासत को गर्म करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता सब समझती है, इसलिए इन लोगों का दाल अब गलने वाला नहीं है। चारों तरफ से आवाज आ रही है कि मोदी गद्दी छोड़ो। जब तक मोदी गद्दी नहीं छोड़ेगा, देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। देश में जो संविधान है उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी, इसलिए मोदी को हटना तय है। और बिहार की जनता जब जब अंगड़ाई ली है, देश में परिवर्तन हुआ है। मांग उठाया था, आज क्या है आपका मांग? मैंने कल मांग किया था और सदन में भी इस मामले को मैंने उठाया था कि जो सीबीआई और ईडी का हमेशा छापामारी पूरे देश में विरोधी पक्ष के लोगों पर ही क्यों पड़ता है, उसका कानून बनना चाहिए। कई राज्यों में कानून बन गए हैं, इस राज्य में भी कानून बनना चाहिए कि बिना राज्य सरकार की सहमति से कोई भी ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़े। मैं कल सदन में भी बोला हूं और आप लोगों ने देश और दुनिया में चलाने का भी काम किया है। तो बात कही है, मांग उठाई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं। अरे सवाल है कि बोलने पर तुरंत आश्वासन थोड़ी मिलता, लेकिन मुख्यमंत्री का एकदम हामी भरने जैसा उनका था और मैं आज पत्र दे रहा हूं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूं। जरूरत पड़ी थी और सदन में और भी कई प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया के तहत हम सदन के नेता को और सरकार को ये मांग करेंगे। और हमको लगता है कि अन्य राज्यों में जिस तरह से इस तरह से कानून बना है, बंगाल सहित कई राज्यों में, इस राज्य में भी बनेगा, हमें विश्वास है, भरोसा है। भाई सीधे तौर पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि कल हमने सदन में ये मांग उठाई थी कि जो सीबीआई और ईडी है वो बिना सरकार के अनुमति के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती है, ऐसे कानून बनाए जाए और इसको लेकर जो नियम बनाने होंगे वो हम बनाएंगे। कल सदन में आवाज़ उठाई थी, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखेंगे और सदन के नेता से आग्रह करेंगे कि जो विपक्षी द्वारा जो हमें परेशान किया जा रहा है जांच एजेंसियों को भेजकर, वैसी परेशानी के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी, तभी जो जांच एजेंसियां हैं वो सरकार राज्य में प्रवेश कर पाएंगी। सरकार की अनुमति के साथ साथ बिना सरकार की अनुमति के कोई भी जांच एजेंसियां जांच नहीं कर पाएंगे, ऐसे नियम बिहार में बनने चाहिए क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसे नियम हैं। तो कहीं ना कहीं अब सीबीआई और ईडी को बिहार में प्रवेश करने के लिए नीतीश कुमार से परमिशन लेनी होगी अगर नियम बन जाते हैं तो। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर